चुपके चुपके। नीरज घर से किसका फोन आया था? पता नहीं मीरा जी वो। हाँ प्रीतम प्यारे। तुझे ना बुरा लगेगा कमल दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो आजकल की लड़कियां होती है ना, उनको ट्रेडिशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। बुआ जी मीरा ऐसे नहीं है, बस कुछ काम आ गया होगा इसलिए शायद। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पूजा के समय सारी तैयारियां सास कर रही और बहू का आता पता ही नहीं। बुआ जी कह रही थी कि जिस प्रीतम प्यारे का फोन आ रहा है वो शायद पहले मीरा का बॉयफ्रेंड था और हो सकता है अभी भी। तुम्हें क्या लगता है? आप बेकार में इस बात को सोच रही हैं। आप इस बात को यहीं पर फुल स्टॉप लगा लीजिए और इस पर ध्यान मत दीजिए। मीरा सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा भी होगा तो इट्स इन द पास्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर कोई अभी भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज हम कोई असली में हस्बैंड वाइफ तो नहीं है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। पता नहीं मैं मीरा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। पता नहीं मीरा की आंखों में प्यार मेरे लिए था या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। वैसे अब जो भी तुम करना चाहती हो करो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होने वाला है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आई कांट बिलीव कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। एंड आई कांट बिलीव कि तुम मुझसे चीजें छुपा रहे हो। मैं ना तुम्हारे यहाँ पर पुराने आशिकों के फोन लेने नहीं बैठा हूँ, उनको तुम्हारा हालचाल बताने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं बैठे ना हालचाल बताने के लिए तो फोन मुझे दे दिया होता, मैं ही पूछ रही थी कौन सा प्रेमी बात कर रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं कौन बात कर रहा था? ज्यादा ही था तो उसको बोला करो तुम्हें फोन करे, मुझे ना फोन करा करे। बड़ी पोजेसिव हो रही हो अपने प्रीतम प्यारे के लिए। मीरा ने बहुत 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 खुश हूं, फाइनली मेरा ड्रीम पूरे होने आ रहा है। फाइनली फाइनली इट्स कमिंग ट्रू। तीन महीने की और बात है, उसके बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तुम्हारे मजे मजे। और वो क्या है, वो प्रीतम प्यारे है ना, प्रीतम प्यारे के साथ अच्छे से सेटल हो सकती हो। प्रीतम प्यारे को बताया कि नहीं बताया? ये लो बता दो ना, फोन नंबर है, ये लो। मैं भी तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम्हारे पास तो उसका नंबर होगा ही, रोज बातचीत तो होती होगी। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रीतम को कब फोन करना और कब नहीं, तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं मुझे। आप तो तुम सेट हो चुकी हो। ओ हेलो मिस्टर अभिषेक अवस्थी, डोंट पास दीज कॉमेंट्स ओके। ये क्या हो रहा है और मुझे अभी पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि एक ना एक दिन तो हम दोनों का अलग होना ही है। मैं क्यों बार बार मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? हाँ करेक्ट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमारी जनरल शादी नहीं है और जनरली हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो जनरली मैं अपनी जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ तो जनरली तुम इतनी चिंता मत करो, जॉब तुम्हें कौन सी कल छोड़नी है यार, तुम अभी से परेशान हो रही हो, अभी बहुत वक्त है। अभी मम्मी जी आज ही कह रही थी रिजाइन करने को, क्या तुमने सुना नहीं? मीरा डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जाके रायता संभाल लो क्योंकि मैं इसको नहीं सुलझाने वाली हूँ। अरे मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। अभी प्लीज मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, बहुत काम है ऑफिस में, प्लीज ये रायता मैं नहीं संभाल सकती हूँ, क्लियर इट आउट बिफोर। ओके कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, किसने मना किया तुम्हें? बस वो तो घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत एकदम बराबर ठीक हो जाए, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। अभी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। बड़ी परवाह है ना तुम्हें मेरी? हाँ नहीं मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत एकदम कंप्लीटली ठीक हो जाए, उसके बाद तुम ऑफिस जाओ। और तुम्हें क्या लगता है? नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम
जो करना चाहो वो कर सकती हो। अभी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, तुम वाकई मेरी केयर करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर यू। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, लेट मी कंप्लीट। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है, तुम वाकई में अमेरिका चले जाओगे, एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि वो तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम डिजर्व करते हो। मीरा, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। इस एक बात के अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। क्या? कुछ नहीं। बेटा गलत मत समझो, हम खुश हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू डैड, मैं जानता हूं, लेकिन आप प्लीज परेशान मत होइए, अभी तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बदलेंगी मतलब? मीरा, आर यू श्योर कि तुम नहीं आना चाहती हो? अभी मैं एक बात ना तुम्हें सिंपली समझाना चाहती हूँ। मेरी यहाँ एक जॉब है, एक लाइफ है, फैमिली है, और तुम मेरे पति परमेश्वर नहीं हो असली के कि तुम जहाँ जाओगी मैं भी मुंह उठाकर वहां चली आऊंगी, है ना? एक काम हो सकता है, आप एक बढ़िया सो अच्छो वकील कर लो, नहीं तो भैया विभूति तुम निकल लो। विभूति भैया का केस मैं लड़ूंगा, एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना BA LLB फ्रॉम आगरा। ये शख्स एक कातिल है, इसने कांतिलाल नाम के शख्स का कत्ल किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त कत्ल के क में नुक्ता नहीं लगा रहे हैं, वो कत्ल होता है ना के कत्ल। अनु तुमने किस पगलेट को मेरे पल्ले बांध दिया यार, ये तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दम लेगा। बाय गॉड। यहाँ के लोग तो कहे हैं कि आपको यो चढ़ाई बिना बैठे नंगे पांव एक ही बार में चढ़नी पड़ेगी, यो दिया भी बुझना ना चाहिए। हे देवी माँ, मैं अपने परिवार के लिए हर दुख उठा सकती हूँ। दुख वो समझते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खोया हो। तुमने तो कुछ नहीं खोया है, लेकिन अब तुम बहुत कुछ खोओगे। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। सिस्टर खाना खा। अच्छा चल दी इसने अपनी चाल। कौन है माँ? कौन है? कौन है? कौन है? सुबह ने जो भी कुछ हो रहा है ना, हमें मिलके उसका सामना करना होगा। संभालो। क्या चल क्या रहे हैं यहाँ पे? हाँ चलो सुमन, वक्त आ गया तुम्हारे यहाँ से निकलने का, हम इसी वक्त जाएंगे यहाँ से। चलो देवी।
संतोष अंततः हमने विजय प्राप्त कर ही ली। अगर श्रीधर का अंत हो गया तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि देवकी का आठवां पुत्र कौन है। ले आओ उस नारायण दूत को। तुम्हारे लिए इस संसार में सब कुछ मैया के मक्खन का सामान है। कोई संदेह तो ये लो, दलिक हमें भी तो खाकर बताओ अपनी मैया का ये मक्खन। तुम मेरा मुख देखना चाहती हो ना मैया, तो ये लो तुम्हारे लिए मैं अपना मुख खुलता हूँ मैया। ऐसा क्या हो गया जो तू सबसे बिगाड़ने लगी है? और चंद्र को सहारा देने में तुझे कोई हर्ज नहीं है? प्रीतु जानती है वो चंद्र एक नंबर का खिलौना इंसान है। तू कौन सा दूध का धुला है? उसको बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में जा। मुझे ना वो चंद्र तुझसे तो बेहतर इंसान लगता है, जो मन में है वही जुबान पर है। ये क्या बकवास कर रही है तू? लगता है मेरी लगाई हुई आग सही जगह पे लगी है। अब मैं इस राज प्रीत को कभी साथ में नहीं आने दूंगा।